प्यारे दीनी भाइयों, अपडेट फॉर विजन में आपका इस्तकबाल है। आज तामीर अदब हिस्सा अव्वल के पेज नंबर 28 से 39वां सबक लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। सबक से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं कि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को इससे जोड़ें, ताकि जो दीनी भाई उर्दू नहीं पढ़ना जानते हैं वो उर्दू सीखने का ज़ौक़ रखते हैं, शौक़ रखते हैं, तो इस फ्री चैनल के ज़रिए वो उर्दू सीख सकते हैं। इस कार्य खैर को आप बढ़ाएंगे, लोगों तक फैलाएंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको भी इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाएगा। यह एक नेक काम है। तो चलिए 39वां सबक शुरू करते हैं। यह एक छोटा सा वाकया है जिसको उर्दू ज़बान में बताया गया है। इसका उन्वान है जैसी करनी वैसी भरनी। तो आइए सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप भी मेरे साथ साथ पढ़ें और फिर ज़्यादा नहीं, दो तीन बार वीडियो को पीछे करके आप देखें, इसलिए कि अब आप तो बहुत हद तक उर्दू सीख गए होंगे। लीजिए सबक शुरू करते हैं। एक भिखारी लड़का रास्ता पर बैठा रोटी खा रहा था। उसको थोड़ी दूर पर एक कुत्ता सोता हुआ नज़र पड़ा। उसने कुत्ते को पुकारा और उसकी तरफ रोटी का एक टुकड़ा बढ़ाया। जब कुत्ता दौड़कर उसके पास पहुंचा तो उसने लाठी से कुत्ते के सर पर मारा। कुत्ता चोट खाकर बिलबिला उठा। ये बिलबिला है, इसमें उर्दू में पहले भी मैं बता चुका हूँ, ज़ेर ज़बर नहीं होता है, इसमें लिखा नहीं जाता, उसको अपने जहन से पढ़ना है, कहाँ कौन सा लफ्ज़ पढ़ा जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा। ये उर्दू सीख लेने के बाद आसानी से आप सही सही लफ्ज़ को पढ़ सकेंगे, अदा कर सकेंगे। तो ये है बिलबिला उठा। कुत्ता चोट खाकर बिलबिला उठा और भौंकता हुआ भागा। ये सारा वाकया एक शख्स अपने कोठे पर बैठा देख रहा था। उसे लड़के पर बड़ा गुस्सा आया। नीचे उतरकर उसने लड़के को रुपया दिखाया और उसको बुलाया। लड़का दौड़ता हुआ उसके करीब पहुंचा। उस आदमी ने रुपया तो अपनी जेब में रखा और लड़के के हाथ पर छड़ी से मारा। लड़का मार की तकलीफ़ से रोने लगा और उस आदमी से कहने लगा कि मैंने तो आपसे कुछ मांगा नहीं था, आपने मुझे क्यों मारा। वो शख्स बोला कि तुमने कुत्ते को क्यों मारा, उसने भी तो तुमसे कुछ तलब नहीं किया था। तलब के मैंने मांगना। तो लड़के से भी कुत्ता ने कुछ मांगा नहीं था, इसलिए वो शख्स कह रहा है उसने भी तो तुमसे कुछ तलब नहीं किया था। जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, इस सबक से हम सबको एक सबक हासिल करना चाहिए कि किसी को भी
बेजा तकलीफ़ नहीं देना चाहिए, बिला वजह मारना सताना जुल्म करना नहीं चाहिए, वरना हम पर भी कोई परेशानी आ सकती है।